हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक कोरियन सीरीज को। ये 2023 की बहुत ही फेमस सीरीज रह चुकी है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम अपने फीमेल लीड शारंग को देखते हैं। कोरिया के सबसे बड़े होटल किंग द लैंड में इंटरव्यू के लिए आई होती है। बेचारी की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है, उसके सैंडल्स टूट जाते हैं। फिर भी वो घबराती नहीं, अपने हुनर और काम बिहेवियर से वहाँ वो इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर ली दिया। यहाँ उसे स्माइल करने को कहा जाता है और वो इतनी प्यारी स्माइल देती है जो सबके दिल को छू जाती है। जब सीन चेंज होता है, सारंग अपने फ्रेंड दाओल और नीना के साथ होती है। उन्हें बता रही होती है कि उसका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, शायद किंग द लैंड में काम करने का उसका अपना सपना ही बनकर रह जाएगा। पर सारंग के फ्रेंड्स उसे चिल करने को कहते हैं और ये तीनों लोग रात भर पार्टी करते हैं। सुबह सारंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। से तो वो पूरी शॉक हो दिया कि किंग द लैंड में जॉब पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सारंग तो ग्रेजुएट भी नहीं है, वो बहुत ही खुश होती है। और अब दूसरी तरफ हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एरोगेंट और हैंडसम है। ये किंग द लैंड के चेयरमैन एक लौता बेटा गोवन है। ये अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था, काफी सालों बाद कोरिया वापस लौटा है। यहाँ गोवन फर्स्ट टाइम किंग ग्रुप में इंटर करता है, कोई भी उसे नहीं जानता है। यहाँ का स्टाफ उसे एम्प्लॉय समझ के बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा होता है। सिर्फ मिस्टर नून जो कि एक छोटे से एम्प्लॉय है, उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसकी मदद करते हैं। अपने स्टाफ के इतने बुरे बिहेवियर से गोवन को बहुत ही बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। और जब यहाँ सबको पता चलता है कि ये चेयरमैन का बेटा है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। हाँ, गोवन बदतमीजी करने वाले स्टाफ को जॉब से निकाल देता है, बहुत ही गुस्से वाला है। यहाँ मिस्टर नून को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाता है। ये गोवन की डैड और उसकी बड़ी सिस्टर वारन है। गोवन और उसके सिस्टर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं होते हैं। वारन किंग ग्रुप का सारा बिजनेस अकेले ही संभालना चाहती है। गोवन का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके डैड के फोर्स करने के बाद उसे कोरिया वापस आना पड़ा। इधर सारंग किंग द लैंड में ऐसे एम्प्लॉयज ज्वाइन कर दिए, वो बहुत घबराई होती है। होटल में काम करना उसका सपना था जो कि आज पूरा हो चुका है। इधर देखते हैं दाओल और नीना भी किंग ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऑल फैशन डिपार्टमेंट में, वही नीना हेड फर्स्ट डिपार्टमेंट में। यहाँ सारंग देखती है एक गेस्ट की उसे बदतमीजी कर रहा होता है, फिर भी स्टाफ उसकी बदतमीजी को झेल रहे होते हैं। सारंग को तो गुस्सा आ रहा होता है ये सब देख कर। यहाँ एक दूसरे एम्प्लॉय सारंग को लेटर दे दिया, कहती है ये उस ब्लैक टाइगर शर्ट वाले आदमी ने तुम्हें देने को कहा है, तुम बहुत आगे तक जाओगी। सारंग कुछ भी समझ नहीं पाती। सारंग लिफाफा खोल के देखती है, गेस्ट ने अपने रूम की चाबी दी होती है। सारंग को अकेले में बुलाया होता है। इस सबसे तो सारंग को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर गोवन अपने ही होटल में ठहरा होता है, उसने भी बिल्कुल ब्लैक टाइगर शर्ट उसे गेस्ट की तरह पहन रखा होता है, आराम से एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी गुस्से में यहाँ सारंग आ दिया और उसे लगता है कि गोवन ही वो आदमी है जिसने उसे ये लेटर भिजवाया है। वो गोवन को बहुत ही सुना दिया, कहती है कमीने इंसान से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोवन तो कुछ समझ ही नहीं पाता, कहता है तो मुझे बताओ तो मैंने ऐसा क्या किया है। सारंग कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और वहाँ से चली जाती है। पर अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद तो गोवन का भी ईगो हर्ट हो जाता है। तभी यहाँ वारन आ दिया, गोवन को कहती है कि वो वापस एब्रोड चला जाए या फिर वो नाटक बंद कर दे कि उसे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बहन के इस बिहेवियर से वो बहुत ही परेशान होता है, वो वापस एब्रोड चला जाता है। अब कहानी 7 सालों आगे आती है, गोवन फिर से कोरिया वापस आया होता है। तो वारन कहती है तुम वापस क्यों आए हो। यहाँ गोवन के बजाय उसके फादर जवाब देते हैं, चाहता हूँ कि गोवन फैमिली बिजनेस को संभाले और तुम्हारी मदद करे। वारन कहती है इसे तो फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ फादर कहते हैं अभी जिंदा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही तुम दोनों करोगे। और यहाँ गोवन के फादर कहते हैं कि वो गोवन को होटल किंग द लैंड का हेड इंचार्ज बना रहे हैं। इधर देखते हैं आज होटल में इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, गोवन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और सारंग अपना काम कर रही होती है तभी अचानक उसका पेट खराब हो जाता है। यहाँ वो एक कमरे में वॉशरूम यूज करने चली जाती है, साथ ही बेड पे रखा फोन भी अंदर ले जाती है। इधर देखते हैं वो रूम किसी और का नहीं गोवन का होता है, वो अपना फोन लेने वापस रूम में आता है। सारंग ने वॉशरूम का पर्दा भी नहीं लगाया होता है। यहाँ इन दोनों का सामना होता है, दोनों एम्बेरस होते हैं। सारंग गोवन पे चिल्लाती है और उसे पीछे मुड़ने को कहती है। गोवन भी कहता है उसे ऐसी चीजों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारंग को जल्दी बाहर आने को कहता है। गोवन दरवाजा खोलता है पर सारंग उसके ऊपर ही गिर जाती है और अब उसे सॉरी कहकर फोन वापस करती है। गोवन कहता है तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। सारंग कहती है नहीं सर, हम नहीं जानते एक दूसरे को। वहाँ से जाने लगती है। यहाँ गोवन को 7 सालों पहले वाली बात याद आ जाती है, कहता है तुम ही वो लड़की हो तुमने मुझे कमीना कहा था, तुम मेरी उतने इंसल्ट की थी।
कुवन कहता है, तो मुझे बताओ आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। सारंग कहती है, देखो मिस्टर मुझे परेशान करना बंद करो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें बताऊं कि तुमने उस दिन क्या किया था? कुवन कहता है, हाँ मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। यहाँ सारंग कहती है, तुमने मुझे वो लेटर भिजवाया था, अपनी रूम की कीज, मुझे अकेले में आने को कहा था, तुम्हें वो ब्लैक टाइगर शर्ट वाले इंसान थे ना। कुवन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जब मैंने वो शर्ट पहन रखी थी तो मैं घटिया इंसान हो गया, जब तुम अच्छे से जानती भी नहीं थी कि वो आदमी कौन था, तुमने वो इंसान मुझे समझ लिया। ये सुनकर तो सारंग पूरी तरह से शॉक होती है, उसने कुवन को वो घटिया आदमी समझ लिया था। कुवन उसे माफी मांगने को कहता है, उम्मीद है कि मैं दोबारा तुम्हारी यह शक्ल नहीं देखूंगा। इधर सारंग तो पूरी तरह से शॉक होती है जब उसे पता चलता है कुवन चेयरमैन का बेटा है और किंग द लैंड का हेड मैनेजर भी। सारंग 2 सालों से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रह चुकी है, तो यहाँ उसे ही फूल लेकर तो हेड मैनेजर को वेलकम करने को कहा जाता है। यहाँ सारंग अपना चेहरा छुपा रही होती है ताकि कुवन उसे पहचान न ले, और यहाँ कुवन उसे देख लेता है। यहाँ सारंग कुवन को सॉरी कह दिया अपने लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए। कुवन कहता है, पर तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी? यहाँ सारंग स्मार्टली आंसर कर दिया, आपने ही तो कहा था कि आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, तो बस ऑर्डर फॉलो कर रही थी सर। आज सारंग का बर्थडे होता है, ये उसका बॉयफ्रेंड जिमी है, उसे ये बात याद तक नहीं होती, फिर भी सारंग उसे माफ कर देती है, पर उसे दिल से बुरा लगता है। तब यहाँ जिमी सारंग को अपने फ्रेंड्स के बीच ले आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। सारंग यहाँ खुद को अकेला महसूस कर रही थी। यहाँ देखते हैं कि जिमी सारंग की थोड़ी सी भी केयर नहीं है, वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। जिमी उसके पीछे आता है, कहता है इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, इससे सारंग को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं मिस्टर नो कुवन को बताते हैं कि उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर यानी कि सारंग के साथ एक इंटरव्यू देना है। मैं इंटरव्यू के सवाल सारंग को पूछने हैं, पर इससे सारंग घबरा जाती है कि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जब सारंग आती है एयरपोर्ट पे, कुवन तो पल भर के लिए उसे देखता ही रह जाता है। और अब यहाँ कुवन बेकार में सारंग पे भड़क रहा होता है कि वो आने में लेट की हुई। सारंग कहती है, मैं तो टाइम पे आई हूँ। यहाँ मिस्टर नो भी सारंग को सपोर्ट कर दिया, कुवन का गुस्सा आ रहा होता है कि इन दोनों ने टीम अप कर लिया है। कुवन सारंग को अपना सूटकेस संभालने को देता है, सारंग साइड हो जाती है, वो सूटकेस यहाँ बैठे एक आदमी को जाकर जोर से लग जाती है। ये देख कर तो सब शॉक थे। सारंग कह दिया, हाँ वो उनकी एम्प्लॉय नहीं है, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी। मिस्टर नो और सारंग तो यहाँ छुप जाते हैं, पर अब उस आदमी का गुस्सा कुवन को झेलना पड़ता है। कुवन उस आदमी को सॉरी बोलने के बजाय उसे पैसे ऑफर करता है कंपनसेशन के तौर पे। ये आदमी कहता है, तुम अमीर बाप की बिगड़ी औलाद लग रहे हो, लगता है तुम मुझे पैसों से चुप करवा सकते हो। जब वो चेक पे पैसे देखता है, छोटा खुद ही कुवन से माफी मांगने लगता है, कहता है सर इतने पैसों में तो मैं आपका सूटकेस खुद ही लेकर जाऊंगा। अब यहाँ कुवन भी बदला लेने के लिए दोनों को अपने साथ राइड नहीं देता बल्कि टैक्सी से आने को कहता है। अब इधर नेक्स्ट डे देखते हैं, इंटरव्यू के लिए सब कुछ रेडी हो चुका होता है, तब यहाँ कुवन आता है। सारंग तो बस उसे देखती रह जाती है, कहती है ये एरोगेंट होने के साथ साथ बहुत हैंडसम भी है। यहाँ कुवन सारंग को कहता है, तुम बहुत ही नर्वस लग रही हो, पर सारंग कहती है बिल्कुल नहीं, नर्वस तो आप लग रहे हैं। और अब सारंग इंटरव्यू के सवाल पूछना शुरू कर दिया। यहाँ एक सवाल कुवन से उसके मॉम को लेकर पूछा जाता है, यहाँ कुवन बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। यहाँ सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। यहाँ कुवन को उसके बचपन के कुछ ट्रेजिक मोमेंट्स दिख रहे होते हैं और वो गुस्से में बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर जाने लगता है। यहाँ कुवन को बहुत ही गुस्सा आता है, लगता है कि सारंग ने जानबूझ से उससे ऐसा सवाल किया। यहाँ देखते हैं ये सब तो उसकी बड़ी बहन अरन ने किया होता है, इंटरव्यू के सवाल जानबूझकर चेंज कर दिए होते हैं। यहाँ सारंग कुवन को कहती है वो इंटरव्यू छोड़कर क्यों गया, इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ इससे उसकी जॉब भी जा सकती है, भले ही कुवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो अपने फादर की वजह से होटल में टाइम पास कर रहा है। और कुवन उस पर भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है तुमने जो मुझसे सवाल पूछे हैं उससे मुझे कितना तकलीफ हुई है? सारंग कहती है उसने बस वही सवाल किए जो कि उसे दिए गए थे। और अब कुवन समझ जाता है ये सब उसकी बड़ी बहन ने किया है। यहाँ कुवन अपने मॉम के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि कुवन की मॉम वो बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर चली गई। और अब देखते हैं नेक्स्ट डे दोनों को साथ में फोटो शूट करवाना होता है। कुवन से स्माइल करने को कहा जा रहा होता है, वो अजीब अजीब से शक्ले बनाता है पर ठीक से स्माइल नहीं करता, इससे तो पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है। अब यहाँ ये दोनों बोट पे होते हैं, इन्हें साथ में एक जगह देखने जानी थी, फिर बोट खराब होने की वजह से ये एक जगह पे फंस जाते हैं, इन्हें पास में ही रुकने का एक ठिकाना मिल जाता है। यहाँ एक बूढ़े कपल उन्हें अपने घर में रहने देते हैं, उन्हें लगता है कि कुवन और सारंग कपल है,
यहाँ सारंग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। कुबन को कह दिया कि तुम बहुत ही खड़ूस और नकचड़े हो, तुम्हें तो ठीक से स्माइल तक करने नहीं आता। कुबन कहता है उसे झूठे स्माइल से बहुत प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके सामने स्माइल करे। सारंग कहती है मैं तो स्माइल करूंगी, पर कुबन बस उसे देख रहा होता है। और अब नेक्स्ट डे सारंग की आंखें खुलती है, वो कुबन के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों काफी क्लोज होते हैं, सारंग की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, जल्दी से खुद को संभाल दिया। अब कुबन भी उठ जाता है, वो धीरे धीरे सारंग के क्लोज जा रहा होता है। सारंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। कुबन तो पीछे की खिड़की खोलता है और कहता है यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। और अब यहाँ ये दोनों साइकिल से आसपास की जगहों को घूमते हैं, साथ में काफी वक्त बिताते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच की गलत फहमियां भी दूर हो जाती है। इधर देखते हैं सारंग को उसके अच्छे काम की वजह से प्रमोशन मिलती है। सीन चेंज होता है, मिस्टर नू कुबन को इंटरव्यू के लिए एक फोटो सेलेक्ट करने को कहते हैं। यहाँ कुबन बार बार सारंग की तस्वीर को देखे जा रहा होता है, इसे मिस्टर नू उसकी तरफ देखने लगता है, फोटो को स्ट्रिप कर देता है। यहाँ कुबन को एहसास होता है कि वो सारंग से अट्रैक्ट हो रहा है। और अब यहाँ देखते हैं कुबन छपकर सारंग को देख रहा होता है, वो यहाँ सारंग की अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करता है, सारंग उसकी तरफ नहीं देखती। कुबन ने सारंग के लिए एक तोहफा लिया होता है, जब वो सारंग के पीछे आता है यहाँ देखता है सारंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जिससे कि उसे काफी बुरा लगता है और अब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सारंग का बॉयफ्रेंड से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। सारंग उसे कहती है हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें माफ करती आई कि एक दिन तुम सुधर जाओगी, पर अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वो जिमी से ब्रेकअप कर लेती है। जिमी उसे दूसरा मौका देने को कहता है, अभी उसे अपने फ्रेंड्स का कॉल आता है, वो सारंग को इग्नोर करता है। यहाँ सारंग को एहसास होता है उसने ब्रेकअप करके कोई गलती नहीं की है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर गुवन गुस्से में सारंग के लिए जो तोहफा खरीदा होता है उसे सड़क पे फेंक देता है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ से रोक लेती है, कहती है तुमने जो सामान फेंका उसे वापस उठाओ। कुबन कहता है ये मेरे किसी काम का नहीं, आप इसे फेंक दे। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है लगता है तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई है। कुबन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो ऑफिसर उसे अपने साथ बिठा लेता है, बताता है कि लड़कियाँ होती हैं उस तरह की है, अगर तुमने उसे अपने दिल की बात नहीं की बाद में पछताओगे, तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे। यहाँ वो ऑफिसर अपनी लव स्टोरी सुनाकर इमोशनल हो जाता है, तो गुवन उसे संभालने को कहता है। इधर सारंग का तो दिल टूटा होता है, खुद को उस गम से दूर करने के लिए वो अपने ग्रैंडमा के साथ वक्त बिता रही होती है। इधर सारंग प्रमोशन की वजह से वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर दिया, उसके कुछ कलीग्स को उससे जलन भी होती है। यहाँ सारंग को उनके सीनियर जीना समझाती है उसे अपने लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, उन सबका मत से सामना करना होगा। इधर कुबन जब सारंग को देखता है अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा होता है। यहाँ वो बेकार में ही सारंग को डांट देता है, यहाँ वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। सारंग कहती है वो पूरी मेहनत करेगी। इधर मिस्टर नू कुबन को कहते हैं बेकार में ही बेचारी को डांट दिया, मुझे लग रहा है जैसे तुम उसके अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो। कुबन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इधर न्यू कलीग सारंग को वेलकम करने के बजाय उसके मुंह पे ही बात कर रहे होते हैं। सारंग किंग द लैंड में इतनी बड़ी पोस्ट पे सिर्फ किस्मत की वजह से आई है, कि ना तो उसके पास ज्यादा टैलेंट है ना ही वो ग्रेजुएट है। सारंग को बहुत ही बुरा लगता है, फिर भी वो उन सबके सामने स्माइल करती है। इधर मिस वारन को देखते हैं क्योंकि दाउल और नीना को डांट रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के डिपार्टमेंट की ग्रोथ रेट अच्छी नहीं होती। इधर कुबन मीटिंग में भी चुप चुप कर सारंग को देख रहा होता है। और यहाँ देखते हैं कुबन सारंग को मैसेज करता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, यहाँ कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत देर तक सारंग के रिप्लाई का वेट करता रहता है, अब तो उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। इधर सारंग अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। इधर दायल को देखते हैं कि उसकी बेटी किन्नी होती है। दायल को घर में कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, इन लॉज और हस्बैंड भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, पर इन सब के बावजूद दायल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। इधर देखते हैं कुबन अब भी सारंग के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है और उसकी आंखें लग जाती है। और अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, कुबन सारंग के पास आता और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। सारंग तो घबरा जाती है। सारंग कहती है सर आपने मुझे क्यों बुलाया है। कुबन कहता है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें कॉल भी किया था पर तुमने कॉल भी नहीं उठाया। और सारंग कहती है मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। अब कुबन उसे अपना नंबर देता है और कहता है इसे सेव कर लो। सारंग कहती है क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी। कुबन कहता है आज हम डिनर पे मिलते हैं, मैं वहीं तुमसे बात करूंगा। सारंग कहती है जो भी बात है आप यहीं कर ले, मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट है। कुबन उसे इंसिस्ट करता है साथ में डिनर पे चलने को, सारंग उसे मना कर देती है। कुबन कहता है तो मुझे मना क्यों कर रही हो, मुझमें ऐसे भी क्या खराबी है।
बस तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम बोट पे खो गए थे तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। फिर सारंग कह दिया, मैं आपको थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब गुवन सारंग को रिक्वेस्ट करता है उसके साथ डिनर पे चलने को। सारंग कहती है वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। और अब गुवन यहाँ भड़क जाता है, सारंग को कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करना, और गुस्से में चला जाता है। सारंग हैरान होते है कि इससे क्या हुआ। इधर गुवन टर्नू को कहता है वो सारंग को वेलकम पार्टी देना चाहते हैं, उसके साथ आज उनका डिनर फिक्स किया जाए। यहाँ गुवन बहुत ही एक्साइटेड होता है आज वो सारंग से बात करेगा, पर यहाँ पूरे स्टाफ को देखकर तो शॉक हो जाता है। मिस्टर नू को कहता है इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं? वो अंदर जाने से घबरा रहा होता है। मिस्टर नू से जानबूझकर अंदर भेज देते हैं। यहाँ गुवन कहता है उसने सारंग को वेलकम पार्टी इसलिए दी है वो 2 सालों से किंग द लैंड की बेस्ट एम्प्लॉय रह चुकी है, पर यहाँ वो सारंग को कुछ ज्यादा ही स्पेशली ट्रीट कर रहा होता है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं। यहाँ बेचारी सारंग का बुरा हाल होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, सबकी नजरें उसी पे टिकी थी। अब जैसे ही गुवन बाहर आता है सारंग उस पर बहुत ही चिल्ला दिया, कहती है सर मुझे परेशान करना बंद कीजिए, क्या आप मुझे सबके सामने इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? मैं इस होटल में काम करती हूँ, मुझे परेशान करना बंद करें। गुवन कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, चाहता था कि डिनर पे सिर्फ हम दोनों हों। सारंग को से वहां से चली जा रही है। इधर मिस्टर नू के जरिए गुवन को पता चलता है कि आज सारंग का बर्थडे है। सारंग जब होटल से बाहर निकलती है जिमी आ जाता है, क्योंकि ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि जिससे उनके बीच ब्रेकअप हुआ ही नहीं। ये देखकर सारंग को बहुत ही गुस्सा आता है, उसे जाने को कहती है। अब जिमी सारंग को कहता है मुझे तो क्या किसी भी लड़के को डिजर्व नहीं करती हो, इसलिए तो कोई तुमसे प्यार नहीं करता। उसकी ये बातें सारंग को बहुत ही हर्ट करती है। वो बारिश में गीली भीग रही होती है। यहाँ गुवन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। सारंग तो उसे देखकर हैरान थी। गुवन कहता है ये जगह मेरी है। सारंग का पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है, गुवन उसे संभाल लेता है। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। गुवन सारंग को संभालता है, सारंग बस उसे देखती रह जाती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके आंखों में आंसू होते हैं। गुवन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रो सकती हो। रोने से मन हल्का हो जाता है और सारंग कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। गुवन उसका हाथ पकड़ के रुक लेता है, कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अब ये दोनों कार में होते हैं। गुवन कहता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला क्यों नहीं था? सारंग कहती है मैंने उसे हवा में फेंक दिया, उसे और पहले ही फेंक देना चाहिए था, मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता। गुवन कहता है तुम अम्ब्रेला की बात कर रही हो या अपने बॉयफ्रेंड की? सारंग कोई जवाब नहीं देती। गुवन उसके बात समझ जाता है। यहाँ सारंग की आंखें लग जाती है। गुवन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और अब सारंग की आंखें खुलती है, कहती है हम ये किस जगह पे हैं? गुवन कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, तुम चेंज कर लो। यहाँ सारंग देखकर शॉक होती है, हम दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने होते हैं। सारंग जाने लगती है तो गुवन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, कहता है तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, मैंने एक जैसे ही कपड़े ले लिए। पर सारंग कहती है अगर किसी ने हमें इस तरह देखा तो वो हमें कपल समझेंगे। गुवन कहता है मुझे पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करते हैं, दोनों साथ में खाना खाते हैं। यहाँ इनके पिक्चर्स भी ली जाती है। सारंग कहती है कि वो पे करेगी। जब वो खाने का बिल देखती है तो पूरे तरह से शॉक हो जाती है कि इतने में तो उसके पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी। अब गुवन उसे कार्ड ले लेता है और कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये मेरी तरफ से ट्रीट है। यहाँ देखते हैं गुवन सारंग को उसके घर छोड़ने आया होता है। वो सारंग को कहता है मैंने ये केक तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। सारंग उसे थैंक्स करती है, पर तभी यहाँ जिमी आ जाता है। सारंग को गुवन के साथ देखकर हैरान होता है। सारंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमी पूछता है ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? सारंग कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं है। यहाँ जिमी रख जाता है और सारंग कहता है तुम उस लड़की के साथ मुझे चीट कर रही थी, इसलिए अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। सारंग के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगता है, इससे सारंग को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है मैंने अपना असली रंग दिखा दिया, मैंने तुम्हें छोड़कर कोई भी गलती नहीं की, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। गुस्से में ऊपर जाने लगती है। जिमी उसे रोकने के लिए जाने लगता है तो गुवन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है तुमने सुना नहीं, सारंग ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हारी वजह से उदास थी, आज उसे मेरी वजह से खुशी मिली है। ये सुनकर जिमी उस पर हाथ उठाने लगता है, गुवन उसका हाथ मरोड़ देता है, कहता है सारंग से दूर रहना। इधर सारंग केक निकाल दिया भी गुवन उसे कॉल करके बर्थडे विश करता है। इन दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है, सारंग को आज बहुत ही स्पेशल फील हो रहा होता है। इधर मिस्टर नू गुवन को कहते हैं क्या उसने फोटो सेलेक्ट कर ली है, तभी यहाँ उन्हें सारंग और गुवन की तस्वीरें मिल जाती है। यहाँ वो गुवन को चिढ़ाने लगता है, इसका मतलब तुम उसके साथ डेट पे गए थे,
गोवन कहता तुम गलत समझ रहे हो, कल उसका बर्थडे था। मिस्टर न्यू कहते हैं तुम दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पर गोवन उसे केबिन से बाहर निकाल देता है। इधर सारंग गोवन को मैसेज करती है कि आज वो उससे मिलना चाहती है, पर यहाँ गोवन भाव खाता है और लिखता है कि वो बहुत ही बिजी है। पर अगले ही पल वो सारंग को रिप्लाई करता है कि वो फ्री है। सारंग उसका मैसेज नहीं देखती, पर सारंग अपना काम कर ही रही होती है। फिर गोवन आ जाता है और कहता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। सारंग कहती है हम काम के बीच फोन का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं होता। गोवन कहता है तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सारंग कहती है तुमने कहा तुम बहुत ही बिजी हो। गोवन कहता है मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास टाइम है। तो सारंग कहती है क्या काम के बाद हम कुछ वक्त के लिए मिल सकते हैं। इससे तो गोवन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली टाइम निकाल लूंगा। इधर देखते हैं सारी फीमेल एम्प्लॉयज का तो अटेंशन सिर्फ गोवन पे होता है। वहां से सारंग से पूछते हैं कि तुमसे क्या बात कर रहे थे। सारंग घबरा जाती है और कहती है वो बस मुझे गुड लक कह रहे थे। सीन चेंज होता है, सारंग गोवन को कहती है कि वो कार से बाहर ना आए कि अगर लोगों ने उन्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। गोवन कहता है तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। सारंग कहती है तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है, तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैं बस तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। गोवन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सारंग कहती है ठीक है मैं ये गिफ्ट वापस ले लेती हूँ। तो गोवन कहता है नहीं मैं इसे रख लेता हूँ। सारंग वहां से जाने लगती है। गोवन कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे ट्रीट देना चाहोगी। अब सारंग उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आ दिया। यहाँ गोवन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगहों पे आया होता है। और अब ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। गोवन कहता है आज उसे बहुत मजा आया, वो अगली बार भी सारंग के साथ इस जगह पे आना चाहता है। पर सारंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इधर गोवन देखता है सारंग एक किर्गिज़ गेस्ट को कॉल करके उनके होटल पे आने को कह रही होती है। पर ये देखकर गोवन को अच्छा नहीं लगता, इस बात पे सारंग को डांटता भी है, वो चापलूसी कर रही है। पर ये सुनकर सारंग को भी बुरा लगता है, कहती है मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। इधर सारंग के सारे कलीग बड़े चालाकी से उसे सबसे मुश्किल काम देते हैं, उसे आयरलैंड पे जाकर फ्लायर से मिलना होगा और उसे जिंक्शन देकर उन्हें गिफ्ट देकर उनसे जिंक्शन लेकर आना है। बेचारी सारंग काम के मुश्किलात से अनजान हो दिया। इधर देखते हैं सारंग उस आयरलैंड पे जिंक्सन लाने तो पहुंचा दिया, पर वो अकेली बहुत डरी होती है, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा होता और वो चट्टानों के बीच फंस जाती है। इधर मिस्टर नू सारी बात गोवन को बताता है और कहता है अगर सारंग को ढूंढा नहीं गया तो वो वहाँ अकेली मर जाएगी। ये सुनकर गोवन परेशान हो जाता है, वो जल्द से जल्द सारंग तक पहुँचना चाहता है। इसके लिए उसे चॉपर की जरूरत होगी, यहाँ उसकी बड़ी बहन सारंग उसे अलाउ नहीं करती, कहती है वो बस एक एम्प्लॉई है, उसके लिए चॉपर लेकर जाओगे उसकी जान बचाने के लिए। पर गोवन कहता है मुझे अपने हर एक एम्प्लॉय की फिक्र है, मैं उसे बचाने खुद जाऊंगा। इधर सारंग बहुत डरी घबराई होती है। यहाँ गोवन भी बहुत चाहता है, सारंग को लगता है किसी ने उस पर हमला कर दिया है, उसे मारने लगती है। पर गोवन कहता है देखो ये मैं हूँ। जा रही सारंग बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तो लग रहा है ये सब सपना है, अगर तुम नहीं आते तो आज मैं मर ही जाती। गोवन उसे संभालता है। यहाँ मौसम खराब होने की वजह से चॉपर इन दोनों को नहीं निकाल पाता। यहाँ ये दोनों साथ में बातें करते हैं। बड़े मुश्किल से ये दोनों सप्लायर के घर तक पहुँच जाते हैं। इन दोनों को सुबह तक यहीं रुकने को कहा जाता है। यहाँ गोवन सारंग को डांटता है और कहता है उसे काम की वजह से अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर सारंग कहती है मुझे काम तो करना होगा। यहाँ गोवन कहता है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सारंग बस उसे देखती रह जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, सारंग यहाँ सफाई कर रही होती है। गोवन कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ सारंग को चोट लग जाती है पैरों में, गोवन उसे बैठने को कहता है, खुद ही वहाँ का सफाई करता है। इधर सारंग सप्लायर को जांगशु का प्लांट दिखा दिया, उसे मिला था। सप्लायर सारंग से बहुत ही इम्प्रेस होता है, कहता है ये पौधा बहुत ही रेयर है, मिलना मानो की गॉड की ब्लेसिंग मिलना है, मैं ये तुमसे नहीं ले सकता, तुम इसे अपने पास ही रखो। यहाँ वो सारंग को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। पर यहाँ गोवन सारंग का हाथ पकड़ लेता है, सप्लायर को कहता है सारंग हमारे होटल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, आपके लिए काम नहीं कर सकता। और अब यहाँ गोवन सारंग को कहता है हमेशा मुझे सर या सर गोवन क्यों कहती हो, तो मुझे नाम से भी बुला सकती हो। पर सारंग कह दिया ये ठीक नहीं होगा। तभी यहाँ मिस्टर नू आ जाते हैं कि इन दोनों को लेने आए थे। सारंग को बताने लगते हैं गोवन ने कितना हंगामा मचाया है इसे बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी बहन से लड़ाई करके भी आया है। गोवन उसे ये सब बोलने से रोक देता है, पर सारंग ये बात समझ जाती है
और अब ये लोग कार में बैठ जाते हैं। मिस्टर न्यू सारंग को कहते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। सारंग कहती है, इसके बदले मैं आपको ट्रीट दूंगी। पर ये सब देखकर रूबेन को गुस्सा आ रहा होता है। सारंग को कहता है, तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम मुझे ट्रीट देने के बजाय इसे ट्रीट दे रही हो। गुबन की बातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब यहाँ मिस्टर नू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, वो कहते हैं वो इनके साथ नहीं जा पाएंगे। सारंग गुबन को कहती है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। गुबन कहता है, तुम सबकी फिक्र कर दियो, यहाँ तक कि मिस्टर नू की भी, सिर्फ तुम मेरी फिक्र ही नहीं कर दियो। पर सारंग कहती है, इसका क्या मतलब है, मैं आपकी फिक्र कैसे करूँ। गुबन कहता है, जाने दो, तुम नहीं समझोगी। इधर सारंग गुबन के साथ ही अपने ग्रैंडमा से मिलने आती है। यहाँ ग्रैंडमा गुबन को बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रही होती है। इधर ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, साथ में बहुत वक्त बिताते हैं, दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। और अब ये दोनों ग्रैंडमा को बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये दोनों सारंग के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ सारंग गुबन को थैंक्स कर दिया, वो उसे स्पेशली बचाने के लिए आया था। गुबन कहता है, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मैं मेरे साथ डिनर पे चलना होगा। सारंग खा कह दे दिया। गुबन कहता है, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं चलना चाहता। और अब वो डायरेक्टली सारंग को कहता है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलना चाहता हूँ। सारंग तो बस उसे देखती रह जाती है, वो हाँ कहकर ऊपर चली जाती है। हाँ गुबन पे स्माइल कर रहा होता है। इधर गुबन के फादर उसे कहते हैं, कल जिया की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। इधर देखते हैं ये जिया होती है, गुबन के फादर बेस्ट फ्रेंड और उनके बिजनेस पार्टनर की डॉटर है। बहुत ही क्यूट और फ्रैंक होती है, ये गुबन को बहुत ही पसंद भी कर दिया। गुबन और जिया के पेरेंट्स इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं कि अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड कर सके। गुबन बस जिया को अपना फ्रेंड मानता है। यहाँ बर्थडे पार्टी में सारे लोग मौजूद होते हैं, तभी गुबन की नजर सारंग पे पड़ दी है। दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। अभी यहाँ जिया गुबन को हग कर ली थी, कह दिया, तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। बर्थडे गिफ्ट बहुत ही भारी होता है, यहाँ मिस्टर नू को एक कॉल अटेंड करना होता है, इसलिए वो सामान सारंग को संभालने को दे देते हैं। गुबन सारंग को कहता है, तुमने ये बॉक्स क्यों संभाला, ये तो बहुत भारी है, और उसके हाथों से बॉक्स ले लेता है। पर यहाँ तो सारंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो देखती है जिया को गुबन को हग करते हुए। हाँ गुबन नोटिस करता है सारंग बहुत ही उदास लग रही है, उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। सारंग कोई जवाब नहीं देती। इधर सारंग अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है, गाना गाते हुए अपनी सारी भड़ास निकाल रही होती है। तभी डोरबेल नॉक होती है, वो दरवाजा खोलती है तो सामने गुबन होता है। उसे देख कर तो वो शॉक रह जाती है। रेव गुबन अंदर आता है और यहाँ वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ये मिस्टर नू है जो उसके डिपार्टमेंट में मैनेजर है। दयाल कहती है, पर ये तुमसे मिलने क्यों आए हैं। गुबन कहता है, उसे सारंग से कुछ बात करनी थी। पर यहाँ दयाल और नीना गुबन को कहते हैं, क्या तुमने उस चेयरमैन के बेटे को देखा है, बहुत ही अकड़ू, बहुत ही खड़ूस है, के बारे में बहुत ही बुरा बोलती है। कहती है, जरूर उसने सारंग के साथ तुम्हें भी परेशान किया होगा। और अपनी इतनी तारीफ सुनकर तो जारा शॉक था, जारे सारंग तो बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स को रोकने की कोशिश कर दिया, पर उनकी फ्रेंड्स कहाँ समझने वाली थी। और अब उल्टा उनकी फ्रेंड्स दोनों की टांग खींचने लगती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। हाँ गुबन डायरेक्टली दयाल को कहता है, वो सारंग से कुछ अकेले में बात करना चाहता है। दयाल और नीना वहाँ से चली जाती है। इधर सारंग गुबन को कह रही है, तुम यहाँ क्यों आए हो। गुबन कहता है, तुम ये बात छोड़ो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो तुमने अपने फ्रेंड्स को बता रखा है। सारंग कहती है, वो सब मजाक कर रही थी, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। गुबन कहता है, आज बहुत ही उदास लग रही थी, तुम ठीक तो हो ना। सारंग कहती है, बस इतने से बात के लिए मैं अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुबन कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सारंग कहती है, तो तुमने उसे हग क्यों किया, तुम किसी भी लड़की को ऐसे ही हग कर लेते हो। गुबन तो हैरान होता है, कहता है, इसका मतलब कि तुम जेलस हो रही थी। सारंग कहती है, मैं भला जेलस क्यों होंगी। गुबन कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अब तो स्माइल कर दो। सारंग कहती है, मैं दुखी नहीं हूँ। गुबन कहता है, ये बात तुम अपने दिल से पूछो। इधर दयाल और नीना छुपकर इन दोनों की ये बातें सुन रही होती है। और अब सारंग गुबन को जाने को कह दिया। गुबन कहता है, मैं कुछ देर और रुकता हूँ, एक बाइक सारंग को टक्कर मारने वाली होती है। गुबन उसे बचा लेता है और यहाँ वो सारंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, हम कुछ देर ऐसे ही चलते हैं। सारंग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देखा तो। गुबन कहता है, हम डेट कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर मिस वॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है, उसमें बताया जा रहा होता है सारंग अपनी गलती की वजह से उस आयरलैंड पे फंस गई थी, इसके बावजूद उसे बचाने के लिए वहाँ जॉब पर भेजा गया। उससे पता चलता है कि किंग होटल अपने एम्प्लॉइज को कितना इम्पोर्टेंस देती है।
तारंग को यहाँ थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है। यहाँ वो स्ट्रेटली गुवन को थैंक्स करती है क्योंकि वही उसे बचाने आया था। इधर सारंग को कहा जाता है कि वो इंग्लैंड की बेस्ट एम्प्लॉई है, इसलिए कल उसे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को वेलकम करना है। फिर गुवन को बताया जाता है कि सऊदी का प्रिंस हरमीन जो कि उसका फ्रेंड है वो उनके होटल को विजिट कर रहा है, उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ये इस पे ही डिपेंड करेगा वो अपने फ्रेंड को कितने अच्छे से ट्रीट करता है। और अब देखते हैं, हरमीन और गुवन फ्रेंड्स तो हैं पर दोनों एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते रहते हैं। हाँ तो हरमीन पहली नजर में ही सारंग से इम्प्रेस हो जाता है, पर ये सब देखकर गुवन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। सारंग को हरमीन की नजर से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ प्रिंस बार बार सारंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और उतने ही बार यहाँ गुवन उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ गुवन सारंग को कहता है, चाहता हूँ कि तुम उस आदमी से दूर रहो। सारंग कहते हैं, क्या तुम जेलस हो रहे हो? पहले तो गुवन एक्सेप्ट नहीं करता और फिर कहता है, तुम ये मान सकती हो? और अब यहाँ सारंग कहती है, हमें दिल से मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और यहाँ वो गुवन को स्माइल करना सिखा रही होती है, कहती है, रियल स्माइल सीधा दिल तक पहुँचती है। तो गुवन कहता है, क्या मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुँच रही है? यहाँ ये दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। और तभी यहाँ प्रिंस आ जाता है, गुवन को कहता है, भूलो मत तुम आज के पूरे दिन के लिए मेरे सर्वेंट हो। गुवन कहता है, उसे सर्वेंट नहीं कहते हैं, मैं बस तुम्हारी हेल्प करूंगा। इधर सारंग प्रिंस को कोरिया के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बता रही होती है। यहाँ उन्हें वेडिंग के बारे में पता चलता है। तो यहाँ प्रिंस सारंग को कहता है, मैं तुम्हारे साथ वेडिंग फोटोशूट करवाना चाहता हूँ। पर ये सुनकर तो गुवन उस पे उखड़ जाता है, कहता है, सारंग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और वो सारंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर सारंग कहती है कि वो इसके लिए तैयार है, वैसे भी ये सब नकली है। यहाँ देखते हैं सारंग ब्राइट ड्रेस में होती है, तभी उसके सामने दूल्हे की ड्रेस में गुवन आता है, पर वो हैरान होती है। देखते हैं प्रिंस को तो कोरिया के कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुवन ने उस बेचारे को दूल्हे की ड्रेस के बजाय भिखारी और सबन की ड्रेस पहना दी होती है। पर ये सब देखकर प्रिंस को बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुवन को कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर गुवन कहता है, पहले तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ। यहाँ इन दोनों की ऐसी नुकझोंक हमेशा चलती रहती है। हाँ गुवन सारंग को कहता है, तुम प्लीज केयरफुल रहना, मैं नहीं चाहता कि वो हरमीन तुम पे चांस मारे। मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, शायद उसकी 2-3 वाइफ्स भी होंगी। सारंग कहती है, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। इधर हरमीन गुवन से बदला लेने के लिए गार्ड से कहकर उसे बाहर करवा देता है। खुद यहाँ सारंग के साथ घूम रहा होता है। सारंग आज का काम खत्म हो जाता है, वो बहुत थक गई होती है। गुवन उसे अपने रूम में लेकर आता है और कहता है, आज के लिए यहीं रुक जाओ। सारंग कहती है, किसी को पता चला तो मैं घर ही चली जाती हूँ। गुवन कहता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ आराम करोगी, इससे पहले हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। और यहाँ ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। इधर देखते हैं दायुल का हस्बैंड हमेशा धौस जमाते रहता है कि वो उससे ज्यादा पैसे कमाता है। दायुल इस बात को इग्नोर करती है। इधर सारंग की आंखें खुलती है, डोर पे गुवन होता है, कहता है, क्या तुमने आराम किया? सारंग कहती है, मैं कुछ देर और सो जाती हूँ, मेरी 3 बजे की शिफ्ट है। गुवन कहता है, ठीक है, मैंने चेकआउट 3 बजे का कर दिया है, तब तक आराम करो। तभी यहाँ सारंग को सामने मैनेजर आते हुए दिख जाती है। गुवन को जल्दी से कमरे में खींचती है। ये दोनों बहुत ही करीब होते हैं। गुवन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तभी यहाँ दरवाजे पे मैनेजर आवाज देती है, रूम सर्विस के लिए आई होती है। हाँ तो सारंग बहुत घबरा जाती है। गुवन कहता है, तुम जाकर आराम करो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। गुवन दिखाता है कि रूम में सिर्फ वही है। वो मैनेजर को कहता है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इधर सारंग गुवन को कहती है, अब तो मेरी नींद ही उड़ गई है, मैं जा रही हूँ। फिर गुवन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे लिटा देता है। सारंग के करीब जाकर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ ये दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं। गुवन बाहर आ जाता है, रब्बी उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। अब सीन चेंज होता है, देखते हैं प्रिंस हरमीन सारंग को प्रपोज करने की तैयारी कर चुका है। यहाँ उसने गुवन को वेटर बनाया होता है। गुवन को इस हाल में देखकर सारंग परेशान होती है। यहाँ गुवन का गुस्सा आ रहा होता है, अगर हरमीन ने कुछ भी गलत किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ हरमीन सारंग को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, उसे रिंग पहनाने वाला होता है। गुवन उससे बॉक्स छीन लेता है। इस पे हरमीन गुवन को कहता है, तुम इस तरह से मेरे और सारंग के बीच कैसे आ सकते हो? ये फैसला सारंग का होगा, तो वो क्या चाहती है? गुवन सारंग की तरफ देख रहा होता है। यहाँ सारंग गुवन को रिंग वापस देने को कहती है, इससे गुवन को बुरा लगता है। लगता है कि सारंग ने हरमीन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। पर यहाँ सारंग हरमीन को वो रिंग वापस कर दे दिया, कहती है, आपको आपका सच्चा प्यार जरूर एक दिन मिलेगा, पर वो मैं नहीं हूँ।
से बहुत ही पोलाइटली इनकार कर दिया। हरमीन कहता है तुम्हारे इसी अंदाज का दीवाना हूँ। और अब यहाँ ये तीनों साथ में खाना खाते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं हरमीन जाने वाला होता है। यहाँ वो गुवन को टिप देता है। गुवन कहता है उम्मीद है कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। यहाँ गुवन सारंग को थैंक्स करता है कि उसने पूरे मामले को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया होता है। यहाँ तो सारंग स्माइल कर रही होती है। गुवन कहता है नहीं कल तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में तो नहीं सोचा था ना, बताओ मुझे। सारंग कहती है एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं सारंग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। यहाँ गुवन भी उसे ज्वाइन करता है। यहाँ तायोल और नीना गुवन को कहते हैं अगर वो सारंग को पसंद करता है तो उसे अपने दिल की बात बता दे, कहीं देर ना हो जाए। इधर देखते हैं गुवन ने सारंग को कन्फेस करने के लिए पूरी प्लानिंग की होती है। यहाँ गुवन सारंग के लिए कुक कर रहा होता है पर तभी सारंग के हाथों से ग्लास छूट जाता है और यहाँ छत की ऊपर की पाइप की टंकी भी टूट जाती है। गुवन सारंग को कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? सारंग कहती है आज हम यहाँ क्यों आए हैं? गुवन कहता है मैं हम दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और यहाँ गुवन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। सारंग को कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। गुवन सारंग को किस करता है। यहाँ इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। लव सीन चेंज होता है। ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और वक्त बिताते हैं। इधर देखते हैं ये होडी है जो कि नीना को बहुत पसंद करता है। ये उसी के साथ काम करता है। नीना ये बात जानती है पर वो उसे अवॉइड करने की हमेशा कोशिश करती है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं। नू को इन दोनों पे थोड़ा शक होता है, कहता है ये कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। इधर ये तीनों लिफ्ट में होते हैं। गुवन बार बार सारंग का हाथ पकड़ रहा होता है। जैसे ही मिस्टर नू पीछे मुड़ते हैं ये दोनों नॉर्मल रहते हैं। और अब यहाँ गुवन जानबूझकर मिस्टर नू को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। सारंग कहती है तुम क्या कर रहे हो, हमारा फ्लोर तो आ चुका है। गुवन कहता है मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ आता हूँ। सारंग कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गुवन धीरे धीरे उसके करीब जाता है और कहता है हम शाम को मिलेंगे, आज तुम बहुत ही ब्लश कर रही हो। सारंग वहाँ से भाग जाती है। इन दोनों की हार्टबीट बढ़ रही होती है। इधर सारंग अपना काम कर रही होती है। गुवन वहीं बैठकर उसे देख रहा होता है। इधर बाकी एम्प्लॉयज को लगता है गुवन उस पर नजर रखे हुए हैं। सब बहुत ही घबराए होते हैं। सारंग को कहते हैं वो जाकर पूछे कि मास्टर वन को कुछ चाहिए तो नहीं। सारंग गुवन के पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुवन कहता है मैं बस यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। सारंग कहती है तुम्हारी वजह से यहाँ सबको बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। गुवन कहता है मैं यहाँ कुछ देर और रह के तुम्हें देखना चाहता हूँ। यहाँ सारंग गुवन पे चिल्ला देती है, उसे जाने को कह दिया। इसे तो सारे एम्प्लॉयज भी शॉक होते हैं और यहाँ गुवन को भी बुरा लगता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ सारंग को रियलाइज होता है कि उसने गुवन को नाराज कर दिया, तो यहाँ वो उसे मनाने आती है। वो उसे मनाने की भी बहुत कोशिश कर दिया और गुवन कहता है तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम तो जाकर अपना काम करो। सारंग कहते हैं क्या तुम उससे बहुत नाराज हो। उसे मनाने के लिए गुवन को टाइटली हग कर दिया और गुवन उसे खुद से दूर कर देता है। यहाँ सारंग को इससे बहुत बुरा लगता है पर जब गुवन को ये बात रियलाइज होती है कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सारंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर मिस्टर नू गुवन को कहते हैं तुम इतने खराब मूड में क्यों लग रहे हो। तो गुवन कहता है मेरा एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड उस पर थोड़ा चिल्ला रही थी, वो गुस्सा हो गया। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जोर से हग किया, वो भी उसे हग करना चाहता था, गलती से उसने उसे धक्का दे दिया। उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर चली गई, बताओ उसे क्या करना चाहिए। मिस्टर नू कहता है तुम्हारा वो फ्रेंड तो गधा है। गुवन कहता है अपने जबान संभाल कर बात करो। मिस्टर नू कहते हैं नहीं तुम्हारा वो फ्रेंड तुम्हें तो नहीं, अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज किया है तो उसे तुम्हें ही मनाना होगा। इधर सारंग के ग्रैंड माँ को चोट लग गई होती है, वो हॉस्पिटल में होती है। ये दोनों उनसे मिलने आए होते हैं। अपने ग्रैंड माँ को इस हालत में देखकर सारंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ ही बची हैं। यहाँ ग्रैंड माँ गुवन को कहती है सारंग को समझाओ मुझे कुछ नहीं हुआ है। इधर रात को ये दोनों सारंग के घर पे स्टे करने वाले हैं। सारंग गुवन को कहती है यहाँ कुछ लाइट्स खराब है तो मैं उन्हें चेंज कर दी थी। गुवन कहता है मैं चेंज कर दूंगा, पहले तुम घर की सारी लाइट्स बंद कर दो ताकि हमें करंट ना लगे। सारंग कहती है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, क्या तुम इलेक्ट्रिशियन भी थे। गुवन कहता है तुम्हारे लिए तो मैं प्लम्बर भी बन सकता हूँ। पर यहाँ तो गुवन लाइट्स में और भी गड़बड़ी कर देता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। ये दोनों बार बार एक दूसरे से ही टकरा रहे होते हैं। एक्सीडेंटली ये दोनों एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। गुवन सारंग को किस करने लगता है, फिर से ये टकरा जाते हैं। सारंग गुवन को कहती है तुम हिलना बिल्कुल मत,
तुम यहीं रहो, मैं लाइट्स लेकर आती हूँ। और अभी ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। वन सारंग को सॉरी कहता है अपने आज के बिहेवियर के लिए। सारंग भी उसे सॉरी कह दिया कि उसे उस पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। गोवन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारंग कहती है मैंने अब तक तुमसे अपने प्यार का सारंग कहती है आज मैं भी तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और उसे किस कर दिया। इधर रात में ये दोनों सोए होते हैं। गोवन सारंग को कहता है तुम अपने बिस्तर उतना दूर क्यों लगाया है, तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। सारंग कहती है चुपचाप सो जाओ। गोवन सारंग को अपने पास ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं गोवन सारंग को सोए हुए देख रहा होता है और उसे फोरहेड पे किस करता है। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और इन दोनों का ऐसे देखकर तो वो शॉक होती है और यहाँ वो गोवन की पिटाई शुरू कर देती है। वो उनकी पोती के साथ क्या कर रहा था। इतने हंगामे में सारंग की भी आंखें खुल जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा को समझाती है कि गोवन बुरा इंसान नहीं है। जब बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ ग्रैंडमा गोवन के साथ थोड़ा वक्त बिताती है कि जान पाए कि वो कैसा है और वो उनकी पोती का ख्याल रख पाएगा या नहीं। तो गोवन सारंग को कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा मुझसे इम्प्रेस हुई होंगी। सारंग कहती है तुम्हारा ये हैंडसम सा फेस उन्हें जरूर पसंद आया होगा। दोनों इसी तरह बातें कर ही रहे होते हैं तभी सारंग को दयाल और नीना दिख जाती है। गोवन को दूसरी तरफ कर दीदी है। दयाल कहती है ये मिस्टर नो यहाँ क्या कर रहा है। जरूर इस बेचारे को भी हमारा वो अकड़ू बॉस चेयरमैन का बेटा मिस्टर गोवन परेशान कर रहा होगा। हाँ ये दोनों गोवन की भराई कर रहे होते हैं। जारी सारंगी ने बहुत समझाने की कोशिश कर दी है और यहाँ नेक्स्ट डे गोवन डिसाइड करता है कि वो अपने होटल के मेन डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ बाहर घूमने जाएगा क्योंकि नीना दयाल और सारंग है। और यहाँ वो अपने बॉस के तौर पे मिस्टर नो को जिनसुक कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ ये सारे लोग प्लेन में होते हैं। यहाँ मिस्टर नो जानबूझकर सारंग के बगल वाली सीट पर बैठे होते हैं। वन उसे जाने को कहता है। यहाँ वो जानबूझकर गोवन को परेशान कर रहे थे। जब गोवन की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो चले जाते हैं। सारंग गोवन को कहती है तुम यहाँ कंफर्टेबल तो होना। गोवन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत पसंद है। सारंग कहती है मुझे भी। और अब ये लोग ट्रिप के लिए थाईलैंड पहुँच चुके हैं। इधर ये लोग होटल पहुँचते हैं। यहाँ गोवन को पता चलता है मिस्टर नो ने सिर्फ दो ही रूम बुक्स किए होते हैं, लड़कियों के लिए और एक उन दोनों के लिए। गोवन कहता है मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूँगा। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं, पांच लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग कमरे का इंतजाम करो। यहाँ मिस्टर नो उसकी बात नहीं मान रहा होता है। गोवन उस पर बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। और अब ये दोनों बाहर आते हैं। तो ये तीनों पानी में एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर नो यहाँ रूम को लेकर हुई प्रॉब्लम के बारे में इन सबको बताने लगते हैं। जब सब लोग परेशान होने लगते हैं तो गोवन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ सारंग गोवन को भी पानी में आने को कहती है। गोवन कहता है तुम लोग ही एंजॉय करो। इधर मिस्टर नो चुपके से गोवन को पानी में धक्का देने वाला होता है। गोवन पहले उसे पानी में फेंक देता है। तभी यहाँ नीना चुपके से गोवन को भी पानी में पुश कर दे दिया। और अब यहाँ ये लोग पानी में खेलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इधर सब खाने की टेबल पे होते हैं। गोवन और सारंग एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मिस्टर नो गोवन को फोन रखने को कहता है पर गोवन कहाँ उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। तभी यहाँ दयाल गोवन को कहती है अपने बॉस के ऑर्डर नहीं मान रहे हो, तब बेचारे को कॉल फोन रखना पड़ता है। अब इधर ये सारे लोग साथ में अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं। यहाँ गोवन तो सारंग के साथ वक्त बिताने आया होता है, ये लोग उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहे होते। इधर वॉरेन को पता चल जाता है कि गोवन अपने डिपार्टमेंट के तीनों हेड के साथ ट्रिप पे गया है। वॉरेन को ये बात अजीब लगती है और वो कहती है मुझे, और यहाँ वो गोवन पे नजर रखने को कह दिया। यहाँ देखते हैं वॉरेन हर वक्त इस गोवन को फैमिली बिजनेस से निकालने की प्लानिंग करते रहती है, वो पूरा बिजनेस खुद ही हैंडल करना चाहती है। इधर सारे लोग सोए होते हैं। गोवन सारंग को बाहर आने को कहता है। ये दोनों बड़े मुश्किल से अपने अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। यहाँ सारंग का पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है। गोवन उसे बचा लेता है। यहाँ उसे आवाज निकालने से भी मना करता है। गोवन कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ ये दोनों साथ में बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। गोवन कहता है कि मिस्टर नो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा। फिर सारंग कहती है हम सब तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। गोवन पानी में जाता है, सारंग को भी आने को कहता है। जब सारंग नहीं आती तो वो खुद ही उसे पानी में लेकर आता है। सारंग गोवन को कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और यहाँ ये दोनों किस करते हैं। और अब नेक्स्ट डे यहाँ ये लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने की प्लानिंग करते हैं। गोवन तो सारंग के साथ अकेले कहीं जाना चाहता है। यहाँ मिस्टर नू उसे बहुत ही परेशान करता है, उसे कहीं जाने ही नहीं देता। इधर ये दोनों साथ होते हैं। गोवन कहता है तुमने देखा ना मिस्टर नो मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। सारंग कहती है वैसे आज तुम बहुत ही कूल लग रहे हो।
रोहन कहता है क्या सच में। तभी यहाँ मिस्टर नो इन दोनों को आवाज देते हैं। इधर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर नीना दिखती है, उसके पीछे लीरोंग होता है तो उसे देख के हैरान होती है। यहाँ वो लीरोंग को अपना कलीग कह के सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। मिस्टर नो लीरोंग को भी उनके साथ ट्रिप को ज्वाइन करने को कहता है तो लीरोंग भी मान जाता है। ना ये लोग साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर सुबह इन लोगों को पता चलता है वो नर्स सारंगी ने अकेला छोड़कर ही जा चुके हैं घूमने के लिए। उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर देखते हैं सारंग और गुवन साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। यहाँ गुवन अचानक से अपने मॉम को बहुत ही मिस करने लगता है। सारंग उसे कम्फर्ट कर दिया और अब यहाँ ये दोनों चांद से वश मांग रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, गुवन सारंग को कहता है तुमने क्या वश मांगी। सारंग कहती है मैंने वश मांगी कि मैं हमेशा ही खुश रहूं। और तुमने क्या वश मांगा। गुवन कहता है मैंने बस चांद का शुक्रिया किया कि तुम मेरी लाइफ में आई। और यहाँ ये दोनों किस करते हैं, दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इधर ये सारे लोग ट्रिप से वापस लौट चुके होते हैं। ये सब सारंग के घर पे होते हैं। कल कहती है यहाँ आदमी का जूता किसका है। जब ये लोग अंदर आते हैं तो इन्हें तो शौक लगता है। वो गुवन और सारंग को किस करते हुए दिखते हैं। अब यहाँ ये सारे लोग इन दोनों की क्लास ले रहे होते हैं। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को छुपा कर क्यों रखा। दयाल और नीना तो सारंग पे बहुत ही गुस्सा होती है। उसने ये बात उन दोनों से भी छुपा कर रखी। यहाँ गुवन सारंग को कहता है हमने इतनी बात बता दी है तो हमें पूरा सच बता देना चाहिए। दयाल कहती है तुम क्या कहना चाहते हो, ये मत कहना कि तुम चेयरमैन के बेटे हो। गुवन कहता है तुमने सही कहा, मैं वही हूँ। पर यहाँ ये सब लोग हंस रहे होते हैं कि गुवन मजाक कर रहा है। सारंग कहती है गुवन सही कह रहा है, इससे तो सबको शौक लगता है। नीना और दयाल गुवन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, उसके सामने फर्श पर बैठ जाते हैं। सारंग कहती है तुम लोग प्लीज ऐसा बिहेव करना बंद करो, इसी वजह से हमने तुमसे ये बात छुपा कर रखी। यहाँ दयाल और नीना गुवन को कहते हैं अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी की हो तो हमें माफ कर देना। पर गुवन उन्हें कहता है दोनों पहले की तरह ही मुझे ट्रीट करो। इधर कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे बात हो रही होती है। करण अपने डैड को ये बताने की कोशिश करती है गुवन बहुत ही केयरलेस है और उसे बिजनेस संभालने का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ गुवन के डैड भी इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं। यहाँ गुवन अपनी बहन को कुछ नहीं कहता, बस अपने डैड को कहता है कि मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ। इधर वॉरन मिस्टर जन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही होती है जो कि कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सारंग उस टेबल पे सर्व कर रही होती है। मिस्टर जन बहुत ही गुस्सेले आदमी होते हैं, बिना किसी गलती के रंग पे चिल्ला रहे होते हैं। सारंग ने सॉरी भी कह दिया। यहाँ वो वॉरेन को कहते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे आगे बात करना चाहती है सारंग को जॉब से निकाल दे। वॉरेन भी सारंग को जॉब से निकाल दे दिया। तभी यहाँ गुवन आ जाता है, कहता है जब सारंग ने कोई गलती ही नहीं की तो उसे जॉब से क्यों निकाला जाएगा। अब यहाँ गुवन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ मिस्टर जन गुवन को कहते हैं हमें बात करने का कोई सलीका नहीं है। यहाँ तो मिस्टर जन वॉरेन से भी बदतमीजी कर रहे होते हैं और अब गुवन को बहुत ही गुस्सा आता है। कहता है आप बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हैं, आपको अपने लेवल को भी मेंटेन रखना चाहिए। खुद ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। मिस्टर जन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वॉरेन गुवन पे बहुत ही गुस्सा होती है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जानता है ये डील उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ वो गुवन को कहती है तुमने ये सब इस लड़की की वजह से किया, भूलो मत ये बस एक एम्प्लॉई है। यहाँ वॉरेन कहती है मिस्सी को बचाने के लिए चॉपर लेकर गए थे ना। इनडायरेक्टली सारंग और गुवन पे सवाल उठा रही होती है, गुवन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ वॉरेन गुवन को कह दिया खैर तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकले। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर है। होटल में हुए इतने हंगामे से सब परेशान होते हैं। सारंग अपने कलीग्स के साथ खाना खा रही होती है और जब वो बाहर आती है दिखती है गुवन उसका इंतजार कर रहा होता है। कहती है तुम अंदर क्यों नहीं आए। गुवन कहता है मैं बस तुम्हें देख रहा था। सारंग कहती है तुम ठीक तो हो ना। गुवन कहता है आज के बाद लेकर वो परेशान ना हो। मेरे पास से एक कार गुजरती है, सड़क का सारा पानी डायरेक्ट गुवन के पूरे कपड़े खराब कर देता है। इधर सारंग बहुत जोर से चला दिया। गुवन वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। सारंग कहती है बस एक्साइटमेंट से चिल्ला रही थी कि उसका फेवरेट शो रिलीज हो चुका है। तब उसकी नजर गुवन पे जा दिया। कहती है तुम इस तरह बाहर क्यों आए, तुम्हें जाकर कपड़े बदलने चाहिए। गुवन नोटिस करता है सारंग बहुत ही ब्लश कर रही है तो वो जानबूझकर उसे और भी टीज करने लगता है। सारंग कहती है तुम चेंज करके आओ। गुवन उसके करीब जाने लगता है और यहाँ ये दोनों गेस्ट करते हैं, साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। इधर वॉरेन मिस्टर नो को पैसे ऑफर करती है। कहती है उसे गुवन की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब क्या करता है उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर चीज की डिटेल उससे चाहिए। मिस्टर नो उसे कोई जवाब नहीं देते। इधर दयाल घर आती है तो देखती है उसके हसबैंड के सिस्टर उसके पूरे कमरे का सामान फैलाया होता है, बिना उसके परमिशन के उसके कपड़ों को निकाल रही होती है। इस पर दयाल गुस्सा होती है। उसकी ननद कहती है इतना भड़क क्यों रही हो, हम एक फैमिली है तो
अरे हर चीज पे मेरा भी हक है। क्या वो अपने बेटे को पालने की जिम्मेदारी दायोल को देकर पार्टी में चली जा दिया। बेचारे दायोल तो बहुत परेशान हो दिया। इधर दायोल अपने हस्बैंड को सारी बात बता दिया। उसका हस्बैंड बस हंस रहा होता है, कहता है इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है, दायोल की ज्यादा परवाह नहीं करता। पर यहाँ तो दायोल अपने काम से बहुत ज्यादा थक जाती है। इधर सारंग देखती है एक छोटी सी बच्ची ड्राइंग खो गई होती है, जिससे वो बहुत ही परेशान होती है। और सारंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहाँ को उस ड्राइंग को ढूंढने में बहुत ही मेहनत कर रही होती है। सारंग को ये सब करती हुई एक ओल्ड लेडी देख रही होती है कि होटल की स्टाफ होती है। सारंग को कहती है मैं गेस्ट की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब बस तुम खुद को ही मुसीबत में डाल रही हो। सीन चेंज होता है, यहाँ सारंग गोवन का इंतजार कर रही होती है। फिर गोवन पीछे से उसे सरप्राइज करता है। ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। सारंग गोवन को उसकी मॉम की तस्वीर दे दी है, कहती है ये मुझे पुरानी एम्प्लॉय ने दिया, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ पता चलता है कि गोवन की मॉम इन होटल में ही काम करती थी। चेयरमैन को उनसे प्यार हो गया था तो उन्होंने शादी कर ली। उनके स्टेटस की वजह से सोसाइटी में उनके रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया गया। एक दिन अचानक से गोवन की मॉम घर छोड़ के चली गई। गोवन आज भी अपने मॉम को बहुत ही मिस करता है। सारंग उसे कहती है मैं अपनी मॉम को ढूंढने की एक कोशिश करनी चाहिए, वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई इसकी असल वजह भी तुम्हें पता होनी चाहिए। इधर देखते हैं सारंग को होटल स्टाफ के बजाय ड्रीम टीम में शामिल कर दिया गया होता है, क्योंकि गोवन के घर पे काम करते हैं। गोवन तो यहाँ सारंग को देखकर हैरान होता है। तभी यहाँ चेयरमैन जिया के फादर से गोवन और जिया के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ वो कहते हैं वो जल्द ही गोवन और जिया की शादी करवा देंगे। पर ये सुनकर तो सारंग पूरी तरह से शॉक रह जाती है। उसके हाथों से प्लेट भी टूट जाती है। जल्दी से प्लेट्स उठाने लगती है, पर गोवन उसे रोकता है और कहता है तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर दूसरे स्टाफ अगर मामले को संभाल दिया। इधर देखते हैं सारंग को उसकी सीनियर्स बहुत ही डांटती है, कहती है तुम तो ड्रीम टीम में शामिल होने के लायक ही नहीं हो, बहुत सुनाया जाता है आज के उसके बिहेवियर के लिए। पर यहाँ तो सारंग गोवन और जिया के रिश्ते वाली बात से परेशान हो दिया। इधर गोवन डायरेक्टली अपने फादर को कह देता है वो जिया से शादी नहीं करेगा, कि लाइफ में पहले से ही कोई है। इससे गोवन के फादर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि अगर उसने जिया से शादी नहीं की तो उसके फैमिली बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इधर गोवन हर जगह सारंग को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे सारंग मिल जाती है। सारंग को कहता है तुम ठीक तो हो ना, सारंग कोई जवाब नहीं देती। गोवन कहता है तुमने जो सुना वो सच नहीं है, मुझे इस बारे में पता नहीं था, प्लीज तुम मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ सारंग गोवन के कहती है वो अपना काम कर रही है, वहाँ से चली जाती है। इधर सारंग को चीह को संभालने की जिम्मेदारी मिली होती है। जब वो कमरे में आती है तो यहाँ एक छोटा बच्चा उसे डराता है। यहाँ पता चलता है कि ये वारन का बेटा होता है, क्योंकि तो बहुत ही क्यूट है। यहाँ वो सारंग को बहुत ही परेशान भी करता है। पर जब वो बड़े लोगों से मिलता है उनके सामने इस तरह बात ही करता है जैसे कोई मैच्योर आदमी हो। उसका ही अलग रूप देख कर तो सारंग खुद भी हैरान थी। इधर सारंग काम से बहुत ही थक गई होती है, गोवन को कॉल करना भूल जाती है और उसकी आंखें लग जाती है। और सारंग जब कॉल नहीं उठाती गोवन उससे मिलने पहुंचता है, उसने डोर भी लॉक की होती है। तभी यहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, वो गोवन पे शक करने लगते हैं कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं। गोवन उन्हें समझाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है, वो उसके लिए परेशान है। यहाँ ये दोनों पुलिस वाले से कहते हैं इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत ही गुस्सा है, अभी तो वो डोर नहीं खोल रही और ना ही तुम्हारा कॉल पिक कर रही है। दोनों पुलिस ऑफिसर हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनके बीच भी कुछ अनबन हो चुकी होती है। तो गोवन उन्हें भी समझाता है कि वो पैचअप कर ले। यहाँ गोवन बहुत ही परेशान होता है कि कहीं शादी वाली बात को लेकर सारंग उससे नाराज तो नहीं। उसे लगने लगता है कि सारंग उससे ब्रेकअप तो नहीं करना चाहती। इधर नेक्स्ट डे सारंग काम पे आती है, यहाँ गोवन उससे कहता है तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, ना ही कुछ जवाब दिया, तुम ठीक तो हो ना। सारंग कहती है कल मैं बहुत ही थक गई थी इसलिए मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाई। और तभी यहाँ पर जिया आ जाती है, वो गोवन से उनकी शादी के बारे में बात करने लगती है। सारंग वहाँ से चली जाती है। उधर गोवन जिया को कहता है वो उससे शादी नहीं करेगा, उसके लाइफ में पहले से ही कोई और है। गोवन जिया को कहता है मुझे यकीन है तुम्हें भी अपना प्यार जरूर मिलेगा। यहाँ जिया कहती है मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम जानते हो अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तुम्हारी फैमिली बिजनेस को कितना नुकसान होगा। गोवन जिया को कहता है तुम्हारे कॉफी का बिल मैं पे कर दूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इधर गोवन सारंग का इंतजार कर रहा होता है। आज शेफ गोवन को कहता है तुम अकेले आए हो, नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया। गोवन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तब यहाँ सारंग का चाह दिया। गोवन बहुत ही हिम्मत करके सारंग को कहता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही हो। सारंग कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पता है तुम्हारे ऐसे बोलने से मुझे तकलीफ हो रही है। गोवन कहता है आजकल मुझे अवॉइड कर रही हो। सारंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो उसकी शादी वाली बात से ज्यादा परेशान है। गोवन कहता है थैंक गॉड मैं तो डर ही गया था। सारंग कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे फादर हमारे रिश्ते को लेकर कभी नहीं मानेंगे, पर मुझे तुम पर भरोसा है।
इधर नेक्स्ट डे देखते हैं चेयरमैन अरंग को कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए जियो की जिम्मेदारी ले क्योंकि जियो ने अपना ख्याल रखने के लिए उसी का नाम रेकमेंड किया है। सारंग ने हाँ कर दी थी। इधर सारंग जियो को कहती है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। जियो कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इन दोनों में बैट लगती है। गेम को तो बार बार सारंग ही जीत रही होती है। यहाँ सारंग जियो को वो गेम अच्छे से खेलना सिखा दिया। दोनों साथ में बहुत वक्त बिताते हैं। जब सारंग जाने लगती है जियो उसे रोकता है और कहता है तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती। हाँ सारंग दिखती है कि जियो बहुत ही अकेला है। रंगीत है क्या तुम्हारे दोस्त नहीं है। जियो कहता है दोस्त उन लोगों के होते हैं जो वीक होते हैं, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ। फिर सारंग जियो के लिए खाना लेकर जा रही होती है। गोवन उसे देख लेता है, अपने कमरे के अंदर ले आता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सारंग उसे सारी बात बता दी है। गोवन कहता है तुमने मेरे फादर की रिक्वेस्ट मानी, तुम होटल के स्टाफ हो, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। सारंग कहती है उसे जियो के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ सारंग गोवन के कमरे को देखने लगती है। कहती है तो तुम यहाँ रहते हो। उसके सामानों को देख रही होती है। यहाँ उसे दोनों की फोटोज मिलती है। यहाँ वो गोवन को टीस करने लगती है, वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता था। वन उसे तस्वीर वापस करने को कहता है। कहता है तुम मुझे बहुत एम्बेरस कर रही हो। इस दौरान ये दोनों बेड पे गिर जाते हैं। ये दोनों किस करने वाले होते हैं, पर तभी जियो सारंग को आवाज देते हुए आ जाता है। जल्दी से सारंग बाहर आती है, वो जियो के साथ चली जाती है। इधर गोवन सारंग को घर छोड़ने जा रहा होता है। सारंग गोवन को कहती है क्या तुमने जियो के साथ कभी वक्त बिताया है। गोवन कहता है जियो छोटा था तब मैं अब्रॉड में था, जब मैं कोरिया वापस आया जियो को उसके मॉम ने पढ़ाई के लिए उसे अब्रॉड भेज दिया। सारंग क्या गोवन को कहती है जियो के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। इधर देखते हैं जियो अपने मॉम से बहुत ही प्यार करता है, बस उनके साथ वक्त बिताना चाहता है। यहाँ वॉरेन जियो को डांट देती है वो अपने कमरे में क्यों नहीं है। यहाँ जियो भी नोटिस करता है सारंग सच कह रही थी, जियो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। यहाँ गोवन वॉरेन को कहता है आपके लिए सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ है, वो पता है जियो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। यहाँ वॉरेन उस पर भड़क जाती है और कहती है मैं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे अपने बेटे का कैसे ख्याल रखना है। तुम अपने बचपन को तो याद नहीं कर रहे, मेरा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है। अपने मॉम का इंतजार करते हुए रोए, आगे से मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना। गोवन वहाँ से चला जाता है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं सारंग गोवन जियो के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। तीनों साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं। हाँ जियो गोवन को कहता है अंकल मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ही कूल लगते हो। गोवन जियो को कहता है मेरी तरह बन सकते हो पर मैं चाहता हूँ तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखो। अगर तुम अपने मॉम से प्यार करते हो उन्हें बताओ कि तुम्हें उनसे बहुत प्यार है, तुम उनके साथ वक्त बिताना चाहते हो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपने गुस्से को दिखाओ। जब स्माइल करना चाहते हो तब स्माइल करो। अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करो। मैं मैच्योर खुद को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर गोवन अपने मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करवा रहा होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके मॉम जिंदा है। वो सारंग को कहता है अगर वो जिंदा है तो वो मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आई, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। सारंग उसे समझाती और कहती है जरूर इसकी कोई बड़ी वजह होगी उनके पास, मैं उन्हें ढूंढते रहना चाहिए। यहाँ ये दोनों किस कर रहे होते हैं। वे देखते हैं बाहर से वो इनकी तस्वीरें ले रहा होता है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं सारंग और गोवन की तस्वीरें हर तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। सारंग का चेहरा थोड़ा ब्लर होता है। मीडिया ने लिखा होता है किंग होटल का चेयरमैन का इकलौता वारिस गोवन को अपनी एक गरीब लड़के से प्यार हुआ है। उसकी लव स्टोरी बिल्कुल उसके मॉम डैड की तरह है। क्या जिस तरह उसके मॉम डैड अलग हो गए उनका रिश्ता भी नहीं चल पाएगा। हाँ देखते हैं ये सब किसी और ने नहीं बल्कि वॉरेन ने करवाया होता है। इससे गोवन के डॉट बहुत ही परेशान हो जाता है। गोवन और होटल की रेपुटेशन तो खराब हो ही रही है। उन्हें ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है इसमें गोवन के मॉम उनकी वाइफ का भी नाम आ रहा है। इधर होटल्स के बारे में बाकी एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कौन है। मिस्टर गोवन की गर्लफ्रेंड है। तब फोटोज को जूम करके देख रहे होते हैं। एक लड़की कहती है ये तो सारंग की तरह दिखती है। तब इन लोगों को सारंग पे शक हो जाता है। सारंग बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर निकलती है। इधर गोवन सारंग को कहता है तुम ठीक तो हो ना। सारंग कहती है मैं ठीक हूँ। गोवन कहता है वो इस मामले को जल्दी हैंडल कर लेगा। वो सारंग का चेहरा कभी रिवील नहीं होने देगा। इधर सारंग अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। नीना उसे बताती है फोटोज में उसका चेहरा क्लियर दिख रहा है। ये तो सब परेशान हो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे सारंग काम पे आती है। सारे एम्प्लॉयज बस उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ जो मैनेजर होती है वो सारंग को रही होती है कि उसने मिस्टर गोवन को सेड्यूस किया है, कि उसने ऐसा क्या किया है। होटल का मालिक उसके प्यार में पड़ गया है। सब लोग यहाँ सारंग को इंसल्ट कर रहे होते हैं। यहाँ मैनेजर सारंग को कहती है तुमने कैसे मिस्टर गोवन को सेड्यूस किया। सारंग कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ
लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने एक गुवन होता है। वो मैनेजर को कहता है, मैंने सारंग को अप्रोच किया था, तुम जानना चाहती हो उसे किया था तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। गुवन सारंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो सारंग को कहता है, अगर कोई तुमसे सवाल करता है तो तुम उसे जवाब दो, पहले मैंने तुम्हें अप्रोच किया है, तुम्हारे प्यार में पड़ा कि यही सच है। सारंग यहाँ गुवन को टीस करते हुए कहती है, तुमने कैसे मुझे सेड्यूस किया था। इधर देखते हैं इस मामले को लेकर वॉरेन बाकी शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर गुवन को कंपनी से निकालने की प्लानिंग कर रही होती है। यहाँ चेयरमैन ये बात अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ वो वॉरेन को, मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है, तुम गुवन को कंपनी से निकलवाना चाहती हो। यहाँ वो वॉरेन को कहते हैं, अच्छा तुम्हें कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी को सिर्फ गुवन संभालेगा। इससे वॉरेन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, अपने बचपन से ही उस गुवन को ज्यादा तवज्जो दी है, हमेशा से उसे अपना वारिस बनाना चाहते थे। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता चलता है कि वॉरेन बचपन से ही गुवन को पसंद नहीं करती, क्योंकि गुवन के आने के बाद उसके फादर उससे इग्नोर करने लगे थे। इधर सारंग और गुवन ग्रैंडमा से मिलने पहुंचते हैं। हाँ ग्रैंडमा गुवन को कहती है, मैं डर था कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी, तुमने अपनी तस्वीरें जगह फैला दी। सारंग कहती है, आप गलत समझ रही हैं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है, तुम अभी से ही इसे सपोर्ट कर रही हो। इधर देखते हैं दयाल को पता चलता है कि उसके हस्बैंड जो हफ्ते निकलवा दिया गया है। अब यहाँ वो अपने हस्बैंड से अपने घर का सारा काम करवाती है, क्योंकि पहले वो अपने कमाने की धौस जमाता था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ दयाल के इन लॉज भी अपने बेटे को सपोर्ट करने के बजाय दयाल को ही सपोर्ट करते हैं। इधर चेयरमैन गुवन को कहते हैं, उसे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, ये डील उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुवन कहता है कि आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते, वो अपने और सारंग की बात कर रहा होता है। चेयरमैन कहते हैं, क्या मेरे पूछने से कुछ बदलेगा। गुवन कहता है, बिल्कुल नहीं। इधर गुवन सारंग को अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है, कहता है वो उसे बहुत ही मिस करेगा। सारंग को कहता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल करे। और यहाँ देखते हैं चेयरमैन ने सारंग को बुलाया होता है, उसे ऑर्डर दिया होता है कि वो होटल से दूर रहे। उन्होंने सारंग को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया होता है। ये बात सारंग गुवन को नहीं बता दी। यहाँ ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं और अब गुवन सारंग को बाय करता है। इधर सारंग को किंग द लैंड के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस जगह की हालत बहुत ही खराब होती है, तरह से उसे प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन दिया गया है। यहाँ के एम्प्लॉय सारंग को बताते हैं कुछ ही दिनों में इस होटल को बंद कर दिया जाएगा, इसका रेवेन्यू बहुत ही कम है। वो लोग बस यहाँ अपनी जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वो बहुत ही मेहनत करते हैं, यहाँ ज्यादा स्टाफ ना होने की वजह से सारा काम एम्प्लॉयज को ही करना पड़ता है। सारंग यहाँ काम में बहुत ही बिजी रहती है। इधर गुवन जब सारंग को कॉल करता है, सारंग उसका कॉल पिक नहीं करती। इस तरह 3 वीक बीत जाते हैं। गुवन होटल वापस आता है तो उससे सारंग कहीं नहीं दिखती। यहाँ की एम्प्लॉय के जरिए उसे पता चलता है सारंग को ट्रांसफर कर दिया गया है। जब उससे समझ में आता है सारंग थोड़ी परेशान क्यों लग रही थी, गुवन वहाँ से निकल जाता है सारंग से मिलने जाने के लिए। तभी यहाँ पीछे से एक लेडी उसे आवाज देती है जो कि उसकी मॉम होती है। गुवन उन्हें पहचान लेता है। वो अपने मॉम से गुस्सा है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो खुद को नहीं रोक पाता और उन्हें हग कर लेता है। कहता है, मैंने आपको बहुत ही मिस किया। गुवन के मॉम बता दिए उसके दादाजी ने उसे फोर्स किया था कि वो किंग फैमिली को छोड़कर चली जाए, ना वो गुवन को हमेशा के लिए उससे दूर कर देंगे। वो गुवन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे छोड़कर चली गई। यहाँ गुवन अपने मॉम को माफ कर देता है। इधर अब गुवन सारंग से मिलने पहुंच जाता है। देखता है यहाँ सारंग अपने काम में बहुत ही व्यस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो होते हैं, इनके बीच एक चुप्पी होती है। सारंग कहती है वो बहुत ही व्यस्त है, गुवन को अपने साथ आने को कहती है। अब यहाँ गुवन उसकी हेल्प कर रहा होता है। यहाँ एक एम्प्लॉय गुवन को काम अच्छे से करने के लिए डांट रही होती है। जब वो गुवन का चेहरा अच्छे से दिखती है तो उसे एहसास होता है गुवन कोई वर्कर नहीं बल्कि चेयरमैन का बेटा है। वो उससे माफी मांगती है, कहती है तो तुम सारंग के बॉयफ्रेंड हो। इधर देखते हैं नीना ने लुरेन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता है। इधर सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। गुवन को पता चलता है उनका ये टूरिस्ट हॉस्टल बिकने वाला है, जिससे कि बाकी एम्प्लॉयज बहुत ही परेशान है कि जॉब चली जाएगी। यहाँ सारंग गुवन के साथ आसपास के इलाकों में घूमती है, बताती है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट डे गुवन यहाँ बताता है वो इस होटल को दोबारा रिनोवेट करेगा, इससे सारे एम्प्लॉयज बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ ये एम्प्लॉय गुवन को कहती है सारंग यहाँ उसके साथ ही काम करेगी। गुवन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इधर देखता है गुवन के हाथों में रिंग होती है, सारंग को प्रपोज करने वाला होता है। तभी सारंग कहती है कि वो छोड़ना चाहती है, इसे तो गुवन बहुत ही डर जाता है। सारंग बताती है वो होटल में अपने काम को छोड़ना चाहती है, अपना खुद का एक छोटा सा होटल शुरू करना चाहती है। यहाँ गुवन रुक जाता है, कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इधर देखते हैं सारंग
इधर देखते हैं सारंग होटल से रिजाइन कर दे दिया। गुवन सारंग को कहता है मैं तुम्हारे साथ और भी वक्त बिता सकता हूँ। इधर देखते हैं गुवन ने अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया होता है। यहाँ वो मिस्टर नू को प्रमोशन भी देता है, क्यों इससे पता चल गया था मिस्टर नू ने उसकी बड़ी बहन वॉरेन के ऑफर को किस तरह ठुकरा दिया। मिस्टर नू कहते हैं बस मुझे मैनेजर बना रहे हो, मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी पोस्ट दोगे। गुवन कहता है ये ज्यादा हो रहा है। इधर सारंग ने अपने होटल के लिए जगह ढूंढ ली होती है और ये शहर से बहुत दूर होती है। गुवन हर रोज अपना काम खत्म करके सारंग से मिलने आता है। सारंग कहती है तुम अपने काम से बहुत थक जाते हो, फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर गुवन तो हर रोज ऐसा ही करता है ना। सारंग उस पर गुस्सा होती है। गुवन कहता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं वापस चला जाऊँ? पर सारंग कहती है बिल्कुल नहीं। हाँ ये दोनों कैस करते हैं, साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं, इसी तरह ये वक्त बिता रहे होते हैं। देखते हैं यहाँ गुवन सारंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और देखते हैं वॉरेन को भी एहसास हो चुका है उसने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया है, उस वजह से अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गई है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को भी नहीं देख पाई। यहाँ वो जीहू से माफी मांगती है। इधर देखते हैं गुवन और सारंग की शादी की तैयारियां चल रही होती है। यहाँ गुवन की मॉम पहली बार जीहू को देखती है। वॉरेन को कहती है क्या वो उसे गले लगा सकती है। वॉरेन जीहू को कहती है ये तुम्हारी नानी है। जीहू उन्हें जाकर हग कर लेता है। यहाँ सबके गले शिकवे मिट चुके हैं। इधर देखते हैं गुवन और सारंग की ग्रैंड वेडिंग होती है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू अमेजिंग लव स्टोरी के साथ। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।